अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल रमज़ान रूटीन। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही थी अफ्तारी में आलू चिकन के पकौड़ी। वाकई बहुत टेस्टी बनते हैं और जिसमें कि सिर्फ दो से तीन चीज़ों बन जाती है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले लिए हैं बॉयल आलू। ये मतलब जो कि दो आलू लिए थे मैंने मीडियम साइज के, जिन्हें कट करके मतलब जो मैंने बॉयल किया है, पहले कटिंग कर लिया तो उसके बाद बॉयल किया है। तो जो है कि मैंने सिर्फ फुल बॉयल नहीं किया, मतलब हाफ बॉयल किया। आप देख सकते हैं इतने हार्ड फॉर्म में है, क्योंकि हमें जो है कि इसे चॉप करना है और चॉप करने के बाद भी इसका मुकम्मल जो है कि पेस्ट नहीं बनाना, तो इसलिए हमने इसे हाफ बॉयल किया है। या हमने चिकन फ्राई करने के बाद जो है कि पहले थोड़ा चॉप कर लिया था, क्योंकि चिकन चॉप होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए। तो यहाँ जो है कि मैंने आलू मतलब जो कि ऐड कर लिए हैं, बॉइल्ड आलू हैं। और दोबारा बता रही हूँ मैं कि आलू जो है ये मुकम्मल बॉयल नहीं करने, थोड़े से मतलब जो है कि ये मतलब कि हाफ बॉयल रहेंगे तो थोड़े से हार्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। इसमें जो है कि हम ऐड करने वाले हैं ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। पूरे मतलब जो है कि हम रेसिपी में जो मतलब स्पाइसेस हैं वो सिर्फ दो ही स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं। जो आलू और चिकन में यूज़ करने वाले हैं वो है ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। तो इसे हम अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे, और चॉप करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो है कि ग्रीन चिली, जो कि मैंने जो है कि लंबी लंबी कटिंग कर ली थी। तो और जो है कि हमने बेसन ले लिया है 2 चम्मच, और इसमें हमने जो है स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस जो है कि हल्दी मतलब जो है कि टर्मरिक पाउडर था, और रेड चिली पाउडर था, सॉल्ट था एंड ज़ीरा था। सिर्फ ये 4 चीज़ें ऐड कर ली हैं हम। इसमें पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे, और इसमें कोई भी लम्स ना रहे इस हद तक मिक्सअप कर लेंगे, और इसका एक बहुत ही सॉफ्ट एंड जो है कि लाइट सा पेस्ट बना लेंगे। तो आपने इसे मतलब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसके जो लम्स हैं वो निकल जाएँ, वरना पकौड़े में लम्स मतलब जो है कि फील होंगे और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ जो है कि हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो गया। हम जो है कि इस मिक्सचर को उठाएंगे। इस मिक्सचर को मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि हम जो आधे मतलब जो है कि बॉयल आलू रखे थे वो आप देख सकते हैं, थोड़े थोड़े से आलू जो है कि इसमें रह गए हैं। ये आलू जो है कि जब खाते मतलब आते हैं ना मुँह में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मुकम्मल पेस्ट के बाद तो ये वाला टेस्ट नहीं आता, ठीक है। तो हमने जो है कि इसे आधा मतलब बॉयल किया था, आधा कच्चा रखा, मतलब कच्चा रखा था, तो ये इस तरह के कहीं कहीं पर मतलब हल्के हल्के से पार्टिकल्स रह गए इसके, जो कि बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। तो अब हम जो है कि इसे मतलब कोट कर लेंगे बेसन में, और उसके बाद फ्राइंग पैन में जो है कि इसे फ्राई कर लेंगे। हमारी जो फ्लेम है वो भी बिल्कुल लाइट है, और हमने ऑयल भी बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। मैं बार बार कहती हूँ कि ऑयल हमेशा बिल्कुल हल्का इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा सा मतलब जो है कि अच्छी क्वालिटी है पर थोड़ा कम इस्तेमाल करें, ताकि ऑयल जो है कि स्पाइसेस जो है कि कम सोक करें और स्पाइसेस हेल्दी रहें। तो यहाँ जो है कि हम इसी तरह से सारे मतलब जो है कि पकौड़े फ्राई कर लेंगे, और ये बहुत ही झटपट मतलब जो है कि मैं जितनी भी रेसिपी बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लाऊं जो कि मतलब बहुत जल्दी बनने वाली हो। बेसिकली तो मैं अपने मतलब जो है कि रेगुलर व्लॉग्स रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन जब मैं अफ्तारी में कुछ बनाने लगती हूँ सोचती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, जो कि मतलब जो है कि लो बजट में ही बन जाए और हेल्दी भी हो और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो। तो यहाँ जो है कि हम लोग सारे पकौड़े फ्राई कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ जो है कि इसका आफ्टर व्यू शेयर करेंगे। तो ये हमारे पकौड़े फ्राई हो गए हैं, और जो है कि ये देखने में बेशक नॉर्मल से पकौड़े हैं, देखने बिल्कुल नॉर्मल पकौड़े नहीं है मतलब, लेकिन जो है कि जितना लुक इनका अच्छा है उससे ज़्यादा टेस्टी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।